कि किसी को दिक्कत नहीं होगी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये केंद्र बिंदु बनने वाला है, जहां से आपसे वार्तालाप भी होगा, मीटिंग्स भी होगी, सामान पहुंचाने का काम भी किया जाएगा और रणनीति धरातल पर लागू करने का काम भी कहीं ना कहीं यहीं से ही होगा। लोकसभा के चुनावों में 1999 की अगर मैं बात करूं, 1989, तो उसके बाद एक के बाद दूसरा चुनाव हम यहां से जीतते चले गए। ये 17वीं लोकसभा है और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस संसदीय क्षेत्र से 10 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते और ये हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेताओं के कारण हो पाया है, जनता के अटूट स्नेह समर्थन के कारण हो पाया। सोचते कि चुनाव है, ये नेता आएंगे, वो नेता आएंगे तो सब निकल जाए। चुनाव पोलिंग बूथ पर लड़ा जाता है, एक एक पोलिंग बूथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब हम हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं, चाहे हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, देहरा, तीनों जिलों की मैं बात करूं, चारों अध्यक्षों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कौन ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथों पर निकाल कर देगा। भाई त्रिलोक जी, आप आए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम सब मिलकर इतना काम करेंगे कि हम पहले से ज्यादा सीटें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जीत जाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शानदार रिजल्ट हिमाचल से निकाल कर अपने राष्ट्रीय देश का नाम और रोशन करें। हमारे डबल इंजन की सरकार, एक इंजन तो बड़ा है मोदी जी का जो देश को चला रहा है, दूसरा इंजन जयराम जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश में। और ये डबल इंजन की सरकार जब गति से काम करती तो हमने बहुत सारे क्षेत्रों में शानदार काम किया। सुबह से शाम तक हम सब लोग वही भाषण करते हैं, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जन जन तक पहुंचाने का काम हम सबको करना है और डबल इंजन की सरकार को वापस कमर फिराकर भारतीय जनता पार्टी कि हम अपनी सीट, अपना बूथ, अपना जिला, अपना प्रदेश, कुल मिलाकर जब देश भर की संसद में हम 550 लोकसभा के सांसदों में बैठते हैं तो हिमाचल प्रदेश के लोग गर्व से जाकर वहां पर सांसद कहते हैं, हमने पिछली बार की चार सीटें जिताई थी, इस बार भी हमने चार की चार सीटें 2019 में जिताई, तो कहीं पर कमी नहीं छोड़ी। पूर्ण बहुमत हमने विधानसभा में 2017 में भी लिया, 2022 में उससे आगे बढ़कर दिखाएंगे, उससे ज्यादा।